वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं फैमिली, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने डिस्क्लेमर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सुन लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल सके कि मेरी वीडियोस को या रीडिंग्स को किस तरह से लेना है या उनसे आपको किस तरह से मदद मिलेगी। सुन लेंगे तो आपको हेल्प मिल पाएगी और आप अच्छे से मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। इससे मुझे भी हेल्प होगी कि आप परेशान नहीं हो रहे हैं या आपके मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन एनर्जीज क्या है आज की रीडिंग के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लव स्पेल्स, दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी। तो चलिए स्टार्टिंग की लव स्पेल्स हुई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी से लव नहीं करते या हम करेंगे ही नहीं, तो ये लव करवाने के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में बस अपने विचार बनाए रखने के लिए है ताकि आप इस इंसान के बारे में सोचते रहें और ये एनर्जीज के साथ आपकी कनेक्ट रह सके। जब ये इंसान आपके दिमाग में घूमता रहेगा, ये इंसान आपकी एनर्जीज खाता रहेगा, पीता रहेगा, ठीक है, और आपकी एनर्जीज में फीड करता रहेगा। तो सिर्फ आपकी एनर्जीज में अपने आप को फीड करवाने के लिए कि मैं तुम्हारे दिमाग में चलता रहूँ, ठीक, चलती रहूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, लव स्पेल का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो ये इंसान के पास में कोई बात आपसे करने के लिए नहीं है, ये इंसान आपके ऊपर लव स्पेल इसलिए ही कर रहा है क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आपके साथ में ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो सके, या फिर आप इस इंसान के बारे में अपने दिल में, जैसे मैंने अभी कहा, आप हमेशा सोचते रहे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशन एंड विजुलाइजेशन हेल्पिंग ब्रिंग यू टुगेदर। और आपको ये लगे कि आप जिस सोलमेट को बुला रहे थे ये तो वही है, आप जिसके बारे में सोच रहे थे ये तो वही है, और आपने सोलमेट की कॉल की थी इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। और ये इंसान इमोशन लेस है, इसके अंदर इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये रिवर्स में है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये कार्ड ही कहता है, पर ये रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज देता है कि इंसान आना नहीं चाहता है, ये इंसान सिर्फ आपके दिमाग में रहना चाहता है। दूसरा, यहाँ पे कोई ऐसा नया इंसान है जिसको ये भेज रहा है या फिर भेज सकता है या भेज सकती है, और ये आपको उस इंसान की याद दिला सकता है या दिला सकती है जो कि आपको ये लगे कि पास्ट से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई नया इंसान हो सकता है, चाहे वो यही इंसान भेज रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई आ रहा हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये लगातार आपकी एनर्जी से फीडिंग लेता रहे। अनरिक्वायर्ड लव रिवर्स में है, देर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसको आप अपने पास्ट से अलग समझें, आपकी लाइफ में जो भी आए आप उसको पास्ट की नज़र से ही देखें, और आपको यही बात लगे कि यानी कि आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में जगह ना दे सकें और ना ही आप उसके साथ में कुछ महसूस कर सकें। अगर ये इंसान लव स्पेल कर रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान टैरो कार्ड रीडिंग्स भी आपके ऊपर एनर्जी रीडिंग भी करवा रहा होगा या करवा रही होगी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मैंने अभी आपसे कहा ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई आए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, तो ये रिवर्स में है। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, ये इंसान आपके लिए वो सारी चीज़ें, तीनों ही कार्ड रिवर्स में है। तो ये इंसान आपकी जो रीडिंग कर रहा है या करवा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान आ सकता है जो कि आपकी अच्छी एनर्जी से आपकी तरफ आएगा, ठीक, या फिर आपके साथ किसी रिश्ते में होगा। तो ये इंसान नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें किसी भी चीज़ के लिए, या आपके अंदर ये फेथ हो कि कोई नया रिश्ता, कोई नया इंसान, कोई नया रिश्ता मुझे मिल सकता है। आप हमेशा ही इस इंसान के बारे में सोचते रहें
और जो भी ये इंसान है इसका आपके साथ में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। और मे भी कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिर्फ आपकी एनर्जी से जो फीडिंग कर रहा है और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन है, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके और उसके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री का कार्ड यहाँ पे उल्टा है। ये कार्ड कहता है देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, और ये एनर्जी से भी कहती है रिलीज योर एक्स, दिस टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अब आपके लिए वो समय आ गया है जब आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें, क्योंकि आपके किसी एक्स वेक्स के साथ में आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो कि रोमांटिक होता। अपने हार्ट को अलाउ कीजिए, ये इंसान आपके ऊपर इसलिए ही लव स्पेल कर रहा है ताकि आप अपनी एनर्जी से जो कुछ भी अच्छा बनाना चाहते हैं वो आप ना बना पाएं या आप किसी अच्छे नए रिश्ते में ना जा पाएं। ठीक, आपको किसी भी नए रिश्ते में जाने पर वो केमिस्ट्री ना दिखाई दे जो आपको लगता हो कि इस इंसान से है, या फिर इस इंसान को ये लगता हो कि आपको ये महसूस हो लव स्पेल से कि इसी के साथ ही मेरी जो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी था मेरा इसी के साथ था और किसी के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में सारे लोग मर गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ये तीनों ही कार्ड रिवर्स में है वैसे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, रिकंसिलिएशन रिवर्स का क्लेरिफिकेशन। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हैं लेकिन ये पहले से ही आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है ताकि ये आपसे अपने दिल की बात कह सके और आपकी एनर्जीज में आ सके। और डेफिनेटली इसके साथ में आपका कोई भी केमिस्ट्री इसके साथ भी नहीं है। ठीक, ये सारी ही एनर्जीज जो है रिवर्स में है, तो इसका ये भी एक मतलब है कि ये कोई ऐसा इंसान भी है जिसे आप नहीं जानते लेकिन ये आपको जानता है, या फिर आपके ऊपर पहले से ही लव स्पेल कर रहा है या कर रही है ताकि आप इसकी बात सुने या आप इसके प्रभाव में हो। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड है यहाँ पे। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड कहता है सीइंग द पोटेंशियल फॉर सेक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी नए रिश्ते की तरफ जाएं ही नहीं, ये ऐसी एनर्जीज भी हैं, या फिर आप इस इंसान के अलावा किसी और के बारे में सोचे ही नहीं। ताकि आप जो खूबसूरती हर चीज में देखते हैं वो आप ना देख पाए। सेक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स है ना, और ये बिलीव कि सब कुछ पॉसिबल है, आपकी लाइफ में सब चीजें हो सकती हैं, आपको प्यार मिल सकता है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आपकी किसी से केमिस्ट्री हो सकती है। अनरिक्वायर्ड लव रिवर्स का क्लेरिफिकेशन डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, वन कार्ड क्लेरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच। फेमे फेटल लाइट एट्रीब्यूट कहता है इरोटिक एनर्जी, फेमिनाइन इरोटिक एनर्जीज को उभारना और अपने हार्ट को ओपन करना, जहाँ पे आप उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं कि आप किसी पे निर्भर हैं। और यहाँ पे कार्ड है अनरिक्वायर्ड लव का जो कि रिवर्स में है, देर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपका किसी के साथ में आप क्योंकि अपनी उस एनर्जीज में है जहाँ पे आपका हार्ट ओपन है, या फिर आप लोगों पे निर्भर होना पसंद नहीं करते या फिर आप नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपकी एनर्जी पे फीडिंग कर रहा है लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कोई ऐसा नया रिश्ता आ सकता है या आ रहा है जिसके लिए आप अपने हार्ट को ओपन कर सकते हैं और उसके साथ आपकी केमिस्ट्री भी होगी। केमिस्ट्री आपकी इसलिए होगी क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक रिवर्स का क्लेरिफिकेशन। आप ये लव स्पेल्स होने की वजह से ही आपको ये चीज समझ में आई थी या आएगी या आ रही है अपनी लाइफ में कि आप सब चीजों में खूबसूरती देख सकते हैं। ठीक, ये इसलिए क्योंकि आपने ये लव स्पेल होने की वजह से ही आपने किसी इंसान की रियलिटी और उसके जो प्यार वाली एनर्जीज होती है ना, कि प्यार की बात है या रिश्ते की बात है, आपने वो समझी है। ये नहीं समझी है कि प्यार और रिश्ता कैसे होता है, यानी कि सही इंसान से रिश्ता रखना या किसी गलत इंसान के साथ रिश्ते में जाना कैसा होता है वो चीज। डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, तो कोई इंसान आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपकी फेथ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। रिलीजिंग व्हाट इज पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ। तो आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं चाहता है कि आप न्यू लाइफ के लिए ओपन हो, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ओपन हो और आप फेथ रख सकें कि प्यार किया जा सकता है। तो आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई नया रिश्ता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं है तो अभी उस रिश्ते में नहीं जाइएगा।
पहले आपको अपने आप को ही बैलेंस करना होगा। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान एक आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये दो तीन अलग तरह की एनर्जीज हैं जो मैं समझा देती हूँ। कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जी पर लव स्पेल करके फीडिंग कर रहा है, बस आपको उसका नाम बार बार दिखाई देता रहे या आप उसके बारे में सोचते रहें, वो आपका दिमाग आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहे और एक मौका उसे मिल जाए आपसे कोई बात करने का या अपनी बातें कहने का, रिकन्सिलेशन करने का। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कोई नया इंसान आ रहा है, लेकिन वो इंसान आपके लिए किसी काम का नहीं होगा। लेकिन आपके लिए अपने हार्ट को ओपन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए ओपन नहीं भी होगा, यानी कि आपके लिए अच्छा नहीं भी होता है, तो भी आप अपने हार्ट को क्लोज करके क्यों रहेंगे नए रिश्तों के लिए, नए लोगों के लिए, ठीक। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी को भेज रहा है ताकि आपका जो फेथ है वो टोटली डिस्ट्रॉय किया जा सके। और कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही नया इंसान है जो कि आपके ऊपर लव स्पेल करके आ रहा है, जिससे कि आप इसके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें और ये जो जितनी भी एनर्जीज हैं इस इंसान की, ये आपकी लाइफ लास्ट में ये आपके फेथ को, आपकी आशावादिता वाली एनर्जीज को और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चला जाए, ठीक है, और अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चाइल्ड नेचर का कार्ड। ये कार्ड कहता है टेंडेंसी टू अब्यूज एनिमल्स पीपल एंड द एनवायरमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान के साथ में या अभी ऐसी कोई किसी भी पर्सन के साथ में आपकी केमिस्ट्री इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस इंसान को लोगों की एनर्जीज को, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज को, उनकी फेथ को, उनकी जो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज हैं, ठीक, जिसमें वो आशावादी रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और फेथ बना के रखते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है, उनको नीचे गिराने में मजा आता है, उनको यूज़ करके थ्रो करने में मजा आता है। तो क्योंकि इस इंसान की टेंडेंसी है एनिमल्स को, पीपल को और माहौल को इस्तेमाल करने की, उनको एब्यूज़ करने की, तो यहाँ पे कोई आपको लव के नाम पर एब्यूज़ करना चाहता है या करना चाहती है। चलिए अब आपको पता है कितने वेले हैं लोग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या भेंट करना चाहते हैं? समवन इज ट्राइंग टू होल्ड यू। कोई आपको पकड़ के रखना चाहता है, स्लो डाउन करना चाहता है ताकि आप आगे ना बढ़ सके। आपकी सारी पावर और आपका कंट्रोल आपसे ले लेना चाहता है। क्यों ले लेना चाहता है ये पर्सन, ये ले लेना चाहती है क्योंकि आप उस फेथ में हैं जो कि ईश्वर की एनर्जी से, चाइल्ड मैजिकल है ना, तो आप जब ये देखते हैं कि हर चीज़ में खूबसूरती होती है, हर इंसान अच्छा हो सकता है, हर इंसान अच्छे से बात कर सकता है, हर इंसान अच्छे से प्यार कर सकता है, हर बात में अच्छी चीज़ देखना, हर पक्ष को सकारात्मक तरीके से देखना, या पहले आप पॉजिटिव चीज़ों को देखें तो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, जहाँ पर पहले आप पॉजिटिव चीज़ों को देखें उनको जब आप खत्म कर देंगे, अब्यूज कर लेंगे, तो किसी के पास में बचेगा क्या? तो ये इंसान आपको यूज एंड थ्रो कर कर फेंक देना चाहता है, ठीक है। ये वही एनर्जीज हैं, बस उतनी सी ही देर के लिए इस इंसान को, मेल या फीमेल को आप चाहिए। जब ये इंसान आपको यूज और अब्यूज कर लेगा, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से कहाँ गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये आपको, जैसे होता है ना कि हमें कोई चमकता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, चमकती हुई कोई कोई भी हमें ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसे पाने की चाह हमें हो जाती है, तो इस इंसान के अंदर आपको देखकर या आपको सुनकर या आपको जानकर पाने की चाह हो रही है। बस वो पाने की चाह तभी तक है जब तक पाया रही है। जैसे ही पा लिया जाएगा वैसे ही यूज एंड थ्रो करके कि अरे इसका तो मैंने यूज कर लिया, अब इसमें क्या बचा है, फेंक देगा वो इंसान। थैंक यू सो वेरी मच डियर। पर अब आपको पता है पास्ट टाइम लाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस लेसन्स लर्निंग्स ओनली। तो आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए ना तो किसी का कोई रिकन्सिलेशन ना ही किसी के लव स्पेल यहाँ पे काम करने के हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है आपकी पास्ट टाइम लाइन, जहाँ पे आप अनरिक्वायर्टेड लव के साथ भी समझौते करके रहते थे, चाहे वो आपके अपने रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे, या फिर आपके अपने कोई निजी रिश्ते थे, वो सब चीज़ें चली गई हैं, जहाँ पर आप अपने जीवन में बिना केमिस्ट्री के जीवन में चीज़ों को जीते थे या फिर आप सोचते थे। इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान ऐसा आता है तो वो आप जैसा ही बनने का प्रिटेंड करेगा, आप जैसी ही बनने की बातें करेगा या करेगी। एवरीथिंग इज बैक फायरिंग ऑन देम एवरी टाइम, लाइंग स्पाइंग स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेजेस, लोनलीनेस। तो आपके ऊपर ये सारी एनर्जीज फेंकी गई हैं या फेंकी जा रही हैं, ठीक है, बैक फायर हो रहा है ये सब, ये बैक फायर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। समवन
समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन. दे विल मेक स्टोरीज अबाउट देम. तो अपने बारे में कहानी बनाने का कोई इंसान यहाँ पे इच्छुक है? आपसे हेल्प मांगने की कोई इंसान कोशिश करेगा या करेगी कि मेरी रीडिंग कर दो, मुझे गाइडेंस दे दो, मुझे हीलिंग दे दो, मेरी बात तो सुन लो. विल एग्री टू पे यू. आपको पे भी करने के लिए इंसान तैयार होगा. अब इससे ज़्यादा बड़ा क्लैरिफिकेशन डिस्ट्रॉयर की कार्ड में डिस्ट्रॉयर का वर्ड ही आपके लिए आया है. इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और डिवाइन भी क्या देंगे. सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ये इंसान आपके साथ में जुड़ना चाहता है, ये जुड़ना चाहती है. पैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशन. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन. यहाँ पे ये कार्ड है ना आपके लिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. तो आप अपनी लाइफ के लिए कभी भी ऑप्टिमिस्टिक ना रहें, आप अपना ध्यान ना रखें. आपके ऊपर ये सारे वो चीज़ें जो कि आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न करती हैं कि आप अपना ख्याल रखें, अपने इमोशंस को देखें, अपने रिश्तों को देखें, अपने आप को देखें. अगर आपकी लाइफ में पास्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं फिर भी नहीं सीखा तो अपनी गलती है ना. चलिए डिवाइन अब इसके बाद में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन स्पेस टू ड्राई अप योर लव लाइफ. तो ऑलरेडी अगर आप किसी रिश्ते में हैं या फिर अगर आप किसी के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपकी लव लाइफ को ड्राई किया जा रहा है ताकि आप किसी के साथ भी ना जुड़ने की सोचे और ये इंसान आपके साथ जुड़कर आपको डिस्ट्रॉय कर दे. यानी कि मेरे लिए ये चमकती हुई चीज़ मेरे लिए रहनी चाहिए, जब मैं इस इंसान की सारी चमक को खा जाऊं पी जाऊं तो उसके बाद में इस इंसान को पत्थर की तरह डाल के छोड़ दिया जाएगा. फिर इसके इसको तो यूज एंड थ्रो कर दिया, उसके बाद में इस इंसान के साथ क्या हो रहा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा. उसके बाद तो मैं इस इंसान को इस लेवल पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा या कर दूंगी कि मजाक उड़ेगा इस इंसान का. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन. बहुत ही अजीब प्रकृति के लोग हैं. नो इट्स नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर सम टाइम. तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता या ऐसे लोग आते हैं, नो है साफ उसके लिए, वेट कीजिएगा कुछ समय के लिए, आपको पता चल जाएगा. तो कोई आपको ऐसा ऑफर या कोई इस तरह की बात आपसे कह सकता है कि अचानक कोई ऐसी आपसे बात कहे कि आपको इतनी इमरजेंसी में कोई रश करवाने की यहाँ कोशिश करेगा, जो मैं समझ पा रही हूँ कि एमरजेंसी है बात कर लो, एमरजेंसी है हीलिंग कर दो, एमरजेंसी है रीडिंग कर दो, एमरजेंसी मेरी लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल हो चुका है, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी एमरजेंसी आ गई है, एमरजेंसी जो लगी थी 84 में उससे भी बड़ी एमरजेंसी आ गई है कि मेरी लाइफ में मुझे तुम्हारी जरूरत है. भाई आपकी जरूरत नहीं है उसको, खुश मत होना. लॉर्ड शिवा है यहाँ पे, साइकिल का एंड हो रहा है, आपकी सारे कार्मिक चीजें पेड हो चुकी हैं, अपनी डेस्टिनी को चूज कीजिए. और आपकी डेस्टिनी यही कहती है उसमें कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि, या नहीं हो सकता उसमें कोई इंसान ऐसा जो कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके साथ जुड़ना चाहता हो. गॉड्स प्योर क्रिएशन है आप, ठीक है. आपके सामने सीक्रेट खुलेंगे क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है और आपको पावरफुल एंजल्स के द्वारा गाइड और प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि आप चूजन वन है. आपको ईश्वर ने किसी खास मकसद से यहाँ भेजा है और वो हर एक को आपके जीवन में नहीं भेज सकता, या नहीं वो भेजेंगे कि ये भी जा रहा है वो भी जा रही है और सब डिस्ट्रॉय कर करके आ रहे हैं. नहीं, आप गॉड की प्योर क्रिएशन है और हर इंसान गॉड का चूज किया हुआ नहीं है. हर इंसान आपकी तरह एक फाइट नहीं लड़ रहा है, ठीक है. तो आप वो चूजन वन है जिसको ईश्वर ने चूज किया है और हाईली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं पावरफुल एंजल्स के द्वारा. अगर आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं और आप सही पाथ पे हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं. इसलिए लॉर्ड शिवा की एनर्जीज यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हैं. बहुत बढ़िया मैसेज है. ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा. और किसी को अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपसे चाहे कोई हीलिंग मांगे, कोई राय मांगे, कोई आपसे रीडिंग मांगे, कोई आपसे ये मांगे वो मांगे, आप जिस भी फील्ड में हैं आपसे जो भी मांग की जाती है, याद रखिएगा इमरजेंसी है तो वो उन लोगों से संपर्क करेगा जिसके साथ वो फिजिकली बात कर सकता हो. यानी कि कोई इंसान आपके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना चाहता है जिससे कि वो आपसे बात कर सके, आपको देख सके, सुन सके, या आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके, ठीक है. आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं अपने रास्ते पे रहिए और पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गलत रास्ते पे नहीं है, ठीक. आपके लिए थोड़ी सी बम्प स्टार्ट हो सकती है, यानी कि थोड़ी सी आपके लिए ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बम्पी एनर्जीज हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन. ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. आपको आर्कएंजल यूरियल भी यही कह रहे हैं. और अगर आपको इन आर्कएंजल्स के नाम समझ में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं तो वो हैं, और अगर आप इनके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं महसूस करते तो जिनको मानते हैं वो हैं, जिस धर्म में आप हैं उस धर्म को मान लीजिए, ठीक है. आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप ब्लेस्ड हैं, ठीक, और उसी के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपको और ज़्यादा ब्लेस्ड किया जा रहा है और आपकी सारी चिंताएं हटाई जा रही हैं रास्ते से,
ताकि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, तो उन साइंस पे ध्यान दीजिए जो कि आपको मिल रहे हैं और आपको साइन दिए जा रहे हैं। अपना ध्यान नहीं भटकाइए, अलर्ट रहिए और ओपन, यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, और अगेन यहाँ पे लिखा है आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तीन बार डिवाइन लाइफ पर्पस का मैसेज आपसे सिर्फ यही कहता है कि आप चूजन वन हैं और आप यहाँ पे छोटी चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। आपकी जो शाइन है ना, वो लोगों को आकर्षित करती रहेगी, करती इसलिए रहेगी क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं। शाइन कर रहे हैं तो हर चमकती हुई चीज़ से लोग जुड़ना चाहते हैं, उसको यूज़ और अब्यूज़ करना चाहते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। और आपकी लाइट शाइन करती है तो वो जो लाइट होती है वो तो दूर तक दिखाई देती है ना, वो तो दूर तक दिखाई देगी। तो हर वो इंसान जो कि इंटरनली अपने शेडो साइड पे काम करके नहीं बैठा है, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप जब लाइट जलाते हैं, बरसात का टाइम होता है, लाइट के जब आप लाइट जलाते हैं तो हर तरह का जो कीट पतंगा होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है ना, तो वही चीज आपके साथ हो रही है। तो हर तरह का जो जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जिसने अपने ऊपर काम किया होगा वो भी, और जिसने अपने ऊपर नहीं किया होगा वो ज्यादा होगा, ठीक। अपनी अपनी जो डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जीज है ना, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अपने थॉट पैटर्न है, अपनी लाइफ की चीजें हैं, उन सबको लेके ना लोग टूट पड़ना चाहते हैं या फिर टूट पड़ते हैं, ठीक। कोई आपके साथ में लव स्पेल करेगा, कोई आपके साथ में बस कनेक्ट रहना चाहेगा, कोई आपको सोच सोच कर ही अपने आप को खुश करता रहेगा या करती रहेगी। तो हर इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। आपको किससे जुड़ना है इसके लिए डिवाइन आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप गॉड की प्योर क्रिएशन है। देखिए हर इंसान प्योर क्रिएशन है, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, हर पर्सन चूजन वन नहीं है। हर इंसान को नहीं चुना गया है उसके युद्ध लड़ने के लिए, उसकी लाइट को बढ़ाने के लिए, हर इंसान को नहीं चुना गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ईश्वर को मानते तक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर एक को नहीं चुना गया है, ईश्वर ने जिनको चुना है वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी, वो सोल्स हैं जो कि ऑलरेडी ईश्वर को डेडिकेटेड हैं, और ये एक बर्थ से नहीं आता है, ठीक है। आपके हार्ट को जो चीज़ खुश करती है वही आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है, और आर्कएंजल माइकल उसी की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं और आप वही करने के लिए बने हैं। इसलिए आपको अपनी जो भी आशावादी एनर्जीज हैं बनाए रखनी है। इसलिए अगर आपकी लाइफ से लोग जाते हैं या आपकी लाइफ में लोग ना रहें या नहीं रहते हैं, उनका अफसोस आपको नहीं करना है, क्योंकि वो जाने के लिए ही आए थे या जाने के लिए ही आएंगे, ठीक। किसी के साथ अटैचमेंट आपके लिए बिल्कुल भी, किसी के साथ भी अटैचमेंट आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है और सुविधाजनक नहीं है, जो मैं यहाँ पर समझती हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें, आप उसकी सेवा में तत्पर रहें, उसकी संगत करें, उसी को याद करें, उसी को सुमिरन करें, उसी की सेवा करें, उसी की संगत करें, तो आप सही रहेंगे। इसके अलावा और किसी की संगत आपको फायदा नहीं देगी। फील कीजिए जो भी आपकी एनर्जीज हैं। इलेक्ट्रिशियन एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग और एक्सपीरियंस पे ही रहिए, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आपको फील हो जाएगा आपके आसपास कौन किस तरह की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ना तो पास्ट में जाइए और ना ही फ्यूचर में उड़िए, यहीं रहिए धरती पर और प्रेजेंट मोमेंट में कि क्या चल रहा है, ठीक। बैलेंस रहिए, पार्टनरशिप में जाइए, कोऑपरेशन कीजिए। यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग, आप किसी भी चीज से बाहर निकल सकते हैं। फादर, ये कोई फादर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, मंत्रास चैंट कर सकते हैं आप, या फिर ये कोई एक्स कार्मिक फीमेल हो सकती है, शेफ कोई हो सकता है, लॉर्ड कृष्णा है यहाँ पे, आप उनके मंत्र पढ़ सकते हैं, डबल डी, होप कि आपको दिख रहा हो। फेथ रखिए, और आपके फेथ को वहाँ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। अदर स्टेट से कोई एक्स कार्मिक फीमेल आपके ऊपर मंत्र चैंटिंग हो सकता है कर रही हो, किसी फादर के साथ मिलके, या किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ मिलके, किसी शेफ के साथ मिलके, या फिर ये एक्स कार्मिक फीमेल कोई शेफ है जिसका फादर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कुछ भी हो सकता है भाई, घुमा फिरा लेना सारी कहानी को। 19 नंबर है यहाँ पे, या फिर आप इसे 19 नंबर है, या फिर आप इसे 91 मान सकते हैं, 61 या 16 भी मान सकते हैं। पजल्स, तो पजल्स बना रखी हैं, या फिर आपकी लाइफ को पजल्स करने की कोशिश की जाएगी कि आप इतने ज़्यादा पजल हो जाएं कि आपको समझ में ना आए कि चक्रव्यूह कैसा रचा गया, ठीक है। पुल, आपको किसी पजल में पुल करने की, खींचने की कोशिश हो सकती है किसी पहेली में। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मेल आपको, अगर आप मेल हैं तो मेल फोन करें, या कोई फीमेल आपको हो सकता है फोन करे, हो सकता है कोई आपका क्लाइंट या कस्टमर बनकर आपको फोन करे। आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर ये कोई एक्स कार्मिक फीमेल टैरो कार्ड रीडर बन के बैठी है।
रिटर्न टू सेंडर हो रहा है इनको, और इसका रिजल्ट है बीमारी। और मे भी ये जो लव स्पेल वगैरह हो रहे हैं, ये आपको कोई बीमारी ऐसे देना चाहते हैं जो कि किसी ना किसी को रिटर्न टू सेंडर के एवज में लगी है लव स्पेल करके, या फिर ऐसे रिश्तों में होने की वजह से जो कि लव की एनर्जी से आते हैं, ठीक। और वही बीमारियां ये आपको देना चाहते हैं, या फिर यही बीमारियां बांटने का किसी को शौक है जो कि लव की एनर्जी से आती हैं, लस्ट की एनर्जी से आती हैं। तो कोई इस तरह की बीमारी आपको दे देना चाहता है जिससे कि ये कहा जा सके कि आपके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हुआ, या फिर आप इस तरह से गलत रिश्तों में पड़ते रहे हैं लोगों के साथ में, ये पड़ते हैं तो आपको ये बीमारी हो रही है। सावधान रहिएगा, ज़्यादा खुश मत होइएगा किसी चीज़ को लेकर। डबल एक्स है यहाँ पे, मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक है यहाँ पे, कोई ज़्यादा का लालच ले डूबता है। साइंटिस्ट टीचर स्टार की एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, अपने नॉर्थ नोड में ज्यादा कंफर्मेशन और क्या होगा। एक मैसेज और देती हूँ, ज्यादा नहीं लेंगे। विलेज से रिलेटेड हो सकते हैं ये लोग, आप हो सकते हैं, सेम इंटरेस्ट आपका इनका हो सकता है, ठीक है। आप जैसे ही काम करते हैं या आप जैसी बातें करके दिखाते हैं। डबल एम डबल डब्ल्यू कुछ भी समझ सकते हैं आप, ये बना सकते हैं। हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं आपके लिए, आर्मी लोगों की आर्मी लगा रखी है, लव मूवीज ड्रामा इन सब चीजों को देखने का शौक है, इसलिए वैसी ही कहानी बना दी गई है। प्रीस्ट का यहाँ पे हो सकता है सहयोग ले रहे हो, अवेलेबल फॉर अदर्स ऑनली, दूसरे लोगों के लिए ही अवेलेबल है। अहंकार में आपके साथ में तुलना कर रहे हैं, ये दूसरों के साथ में कर रहे हैं, इसलिए आपको बीमारी देना चाहते हैं। शॉपिंग हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रहिए, अपनी लाइफ पर्पस में रहिए, इससे ज्यादा क्या कन्फर्मेशन होगा। चार चार पांच पांच बार एक ही बात को डिवाइन कह रहे हैं, लाइफ पर्पस डिवाइन पर्पस लाइफ पर्पस डिवाइन पर्पस, चलिए जो भी है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम आ सके, फैमिली तो मुझे बहुत खुशी होगी। छोटी सी रीडिंग है लेकिन रीडिंग में बातें बहुत बड़ी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और फेथ बना के रखिएगा, जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। अगर सब कुछ भूल जाए आप तो बस इस मैसेज को ध्यान रख लीजिएगा। ये मैसेज आपसे कहता है कि आपको ईश्वर ने चुना है, तो चुना है तो कोई पास करने के लिए तो नहीं चुना है उन्होंने, है ना, किसी काम के लिए चुना होगा और आपका काम बहुत बड़ा है, उसी पे फोकस कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रिटर्न टू सेंडर लिखना नहीं भूलिएगा, करना नहीं भूलिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल लीगल सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है ये जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उछटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है।
ये रीडिंग सर से ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है कहता है बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।